इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आपको दिखाई नहीं देता मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ों की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं डालियों को तोड़कर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। और तुम सारे फूल तो इकट्ठा करके रखती हो और मंदिर में पड़े पड़े वो फूल सूख जाते हैं। और पूजा तो तुम क्या खाक करती हो? देखिए अच्छा नहीं होगा, आप मुझसे बेकार में बहस मत कीजिए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आप अपना काम कीजिए। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और लोग बातें सुनाते हैं मुझे। अब से उनकी ये सारी बातें तुम सुनना, ठीक है ना? समझी? आप चुप कीजिए, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। आज मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सारे फूल तोड़ लूंगी। देखो तो मुझे कौन मना करता है। पहले लग्गी से इसे डाल को नीचे झुकाती हूँ। अरे कौन है, रूपा है क्या? मैं तो जानती ही थी तेरे अलावा और कौन इस तरह के काम करेगा। अरे फूल तोड़ रही है या पेड़ से कुश्ती लड़ रही है? नीता भी तो फूल तोड़ती है, पर वो तेरी तरह पेड़ों की डालियाँ नहीं तोड़ती। सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? बस नीता नीता नीता, जैसे नीता के अलावा कोई दिखता ही नहीं है तुम्हें। नहीं दिखता, तेरे फूल तोड़ने के बाद बगीचे का जो हाल होता है उसे बाद में नीता ही आकर ठीक करती है। अरे रे, ये क्या कर रही है, सारे फूल तोड़ लेगी क्या? अरे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दे। क्यों, नीता को पैसे दे के बाजार से फूल मंगवा लेना। अरे ये तेरा पेड़ है या मेरे घर का पेड़ है, दुष्ट औरत? क्या, मैं दुष्ट औरत? कल तो मैं तुम्हारा पेड़ ही काट डालूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अरे ओ रूपा, नदी पर पानी लाने नहीं चलोगी क्या? ओ रूपा। हाँ चलो। जरा सुनो, सुनना बेटी, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा पानी भर कर दे दोगी? क्यों, तुम क्या अपना काम खुद नहीं कर सकती हो? अरे बेटा मेरी उम्र हो गई है, ठीक से चल नहीं पाती, पानी कैसे भरूं? तुम ही थोड़ा सा दे दो। हाँ उम्र तो हो ही गई है, तो क्या हमसे पूछ के बूढ़ी हुई थी क्या? खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, हमें उससे क्या? रूपा तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, समझी तुम? अपना काम खुद करो वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत होइएगा दादी माँ, दरअसल रूपा ना दिल की बुरी नहीं है, मैं आपके लिए पानी भर कर लेकर आती हूँ। नीता जब मैंने एक बार मना कर दिया तो फिर तुम उस बूढ़ी के लिए पानी क्यों भर रही हो? हाँ क्यों भरा तुमने बोलो? गुस्सा मत हो रूपा बहन, तुम बताओ मैं क्या करूं? बेचारी वो बूढ़ी इतना सब कुछ कैसे? हाँ बेचारी बूढ़ी हमेशा सबकी नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आता क्या? हर बार अच्छा बनने की कोशिश करती है, आज दोनों को मैं खरी खोटी सुना के ही रहूंगी। दादी माँ पानी कहाँ रखूँ मैं? मेरे घर के अंदर रख दोगी क्या बेटी? हाँ लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला कर अच्छी तरह से काम निकलवाना जानती हो तुम। नहीं मेरी बच्ची नहीं, जिसका जैसा कर्म होता है उससे तो मैं वैसे ही बात करती हूँ। सुनो बकवास मत करो, इस बेकूफ नीता से ज्यादा जानती हूँ मैं लोगों को, समझ में आई बात? ये क्या इतने सारे खड़े? क्या देखो देखो देखो, अरे हटो ना मुझे भी देखना है, देखो तो। अरे बाप रे, हाँ ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा दादी माँ आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? अभी भी नहीं समझी? हाँ तेरी जैसी औरतों को बहला फुसला कर इसने इतने सारे घड़े जमा किए हैं।
इन सब के भीतर गुप्त धन है। गुप्त धन। दादी माँ आप भी ना मजाक मत कीजिए, बताइए ना आपके घर में इतने घड़े क्यों हैं? अरे पगली, मुझे घड़े इकट्ठा करने का शौक है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। आह, इतनी खुशी तो मुझसे देखी नहीं जा रही है। पर मैं सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करती हूँ, किसी को जरूरत हो तो उसे भी देती हूँ, उससे मुझे और खुशी मिलती है। किसी की मदद करके बहुत आनंद मिलता है। हाँ, तो क्या अगर मैं मांगूँ तो तुम मुझे भी दोगी? क्यों नहीं दूंगी बेटा, तुम्हें भी जरूर दूंगी। पर मैंने तो तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा। अरे तो क्या हुआ, हाँ क्या हुआ बोलो, तुमने तो अपना काम किया, अब मैं अपना काम करूंगी, ठीक है? दोगी? मुझे तो वो सोने का घड़ा बहुत ही पसंद है, वो मुझे दे दो। ये बात है, ठीक है ठीक है बेटा, जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें ये घड़ा जरूर दे दूंगी, ठीक है बेटा? तुम्हें कैसे पता कि अभी मुझे घड़े की जरूरत नहीं है? तुम्हारे हाथों में वो पानी से भरा हुआ घड़ा तो है ना, तो फिर एक और लेकर क्या करोगी? अच्छा, इसका मतलब मेरे पास ये घड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है दादी माँ, अब हम चलते हैं, कल फिर से पानी भर कर ला कर दूंगी। चलो रूपा, अब चलते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। जाओ बेटी, कल हम फिर मिलेंगे। हाँ। कैसे भी करके कल वो सोने का घड़ा मुझे चाहिए ही चाहिए, पर ये कैसे होगा? एक बार जब उस बुढ़िया ने खुद ही कह दिया है कि वो घड़ा वो मुझे दे देगी, तो फिर उसके जाल में मैं उसे ही फंसाऊंगी। हाँ, पर वो मुझे नहीं जानती है, लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? ओहो, और कितनी देर तक रात को ऐसे ही बाहर बैठी रहोगी? हाँ, चलो 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 सोने चलो। मैं क्या करूँगी, ये तय करने वाले आप कौन है? जाइए जाइए, आप अंदर जाइए, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दीजिए। क्या करूं? ओह, मिल गया। मिल गया उपाय। कल नीता को पता चलेगा बेवकूफ हमेशा धोखा खाते हैं। मजा आ गया। नीता, अरे ओ नीता, नदी से पानी लेने नहीं चलोगी? अरे आज इतनी सुबह सुबह, तुम्हारी नींद तो इतनी सुबह कभी नहीं खुलती है। घर में पानी खत्म हो गया था, इसीलिए जल्दी उठना पड़ा। चलो जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, रुको जरा, मटकी तो ले आऊं। अब आएगा असली मजा। ए, अरे ओ रूपा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही हो तुम? अरे घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी से वापस भी आना होगा, तुम भी जरा जल्दी जल्दी चलो। अरे इतनी हड़बड़ी है तो जल्दी से पानी भर लो, उसके बाद दादी माँ का पानी भर कर फिर जाएंगे, ठीक है? नीता जरा मेरा घड़ा तो पकड़ना। दो। उई माँ, अरे नीता तुम्हें कहीं लगी तो नहीं तुम्हें कहीं? वो मेरा पैर जरा फिसल गया था, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर वो घड़े अब तो वो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब? मामूली से दो घड़े भी तुमसे नहीं पकड़े गए, अब मैं कैसे पानी भर के ले जाऊंगी जरा बताना तो। गुस्सा मत हो रूपा, असल में अचानक से ही धक्का लगने पर। ए, तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो तुम, कि घड़े मेरी वजह से गिरे हैं, यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, मेरे कहने का मतलब था कि ये सब। नहीं कहा मतलब, अभी तो कहा तुमने, जहाँ से भी हो मेरा घड़ा मुझे वापस ला कर दो। वो घड़ा,
वो घड़ा तो अब नहीं मिल सकता ना बहन। मैं जाकर तुझे एक नया घड़ा खरीद कर दे दूंगी, ठीक है? हाँ, नया घड़ा खरीद के दूंगी। हाँ, मुझे अभी ही घड़ा चाहिए। तुमसे मैंने कहा था ना कि आज मुझे जल्दी घर जाना है। अरे अरे, क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? अरे नीता, बताओ बेटा, क्या हुआ? क्या बताऊं दादी माँ, ये बेवकूफ नीता है ना, सब कुछ बिगाड़ देती है। क्या बात है बेटा नीता? कुछ भी बताने का मुँह है इसका? मेरा इतना कीमती घड़ा इसे नदी में फेंक दिया। मुझे जल्दी से पानी भर के घर भी जाना था। मेरा घड़ा भी तो गया। हाँ, बेवकूफ कहीं की। ओहो, तो झगड़ क्यों रही हो? हाँ, झगड़े वाली क्या बात है। आ जाओ, यहाँ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। आओ नीता, तुम दोनों को मैं घड़े दूंगी, ठीक है? मेरे पास तो बहुत सारे घड़े पड़े हैं। ले लो रूपा, जाओ ले लो, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। अच्छे से देख लो, जो घड़ा पसंद आए वो तुम्हारा। दादी माँ, मैं ये वाला लूंगी। ठीक है, वही ले लो। और नीता, तुम्हें कौन सा घड़ा चाहिए? नहीं दादी माँ, नहीं, मेरे घर में दूसरा घड़ा रखा है, मुझे जरूरत नहीं है दादी माँ। फिर भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लो बेटा, जो पसंद हो वो ले लो, ठीक है? हाँ, तुम खुश हो ना बेटा? हुँ? मैं खुश हूँ दादी माँ, बहुत खुश हूँ। जैसा मैंने सोचा था, ये सोने का घड़ा अब से मेरा है। कितनी खुशी की बात है ये। अरे अनीता, पानी भर के घर भी तो जाना है, चल जल्दी चल। अरे रुको, पहले दादी माँ के लिए पानी तो भर कर लेकर आऊँ। नहीं बेटी, नहीं, आज मुझे पानी की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। अब पानी फेंक कर इस घड़े को पिघला कर मैं गहने बनवाऊंगी। गहने, बहुत सारे गहने बनवाऊंगी मैं, बहुत सारे गहने। इतनी खुशी। ये क्या? अरे ये क्या? अरे बाप रे, ये क्या है? हट हट हट, अरे जाओ यहाँ से, हटो हटो, बचाओ। उफ, हटो हटो कोई, अरे बचाओ बचाओ कोई, बचाओ मुझे कोई, अरे अरे बचाओ, इतने सारे कीड़े, इतने सारे कीड़े, जा जा हट हटो, बचाओ कोई मुझे, बचाओ आ, बचाओ कोई, अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे, अरे बाप रे, हटो हटो मेरे ऊपर से, बचाओ कोई मुझे, अरे बाप रे, अरे मेरा चेहरा, ये क्या हालत हो गई। अब मैं सब समझ गई हूँ, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, शैतान बुढ़िया को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या, वो घर कहाँ गायब हो गया? हाँ शैतान बुढ़िया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? सामने आओ, सामने आओ मेरे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? आखिर क्यों, क्यों किया ऐसा? क्या हुआ रूपा, मुझे याद कर रही हो क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया बोलो, तुमने क्यों किया? मैंने ही की है,
तेरी ये दशा मैंने ही की है, समझी? तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? मैंने क्या खुद की दशा की है ऐसी, बोलो? हाँ, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो सारे कर्मों के फल के घड़े थे, समझी? हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो, लालची हो, और तुमने अपना भाग्य स्वयं ही चुना, इसीलिए तुम्हारे चेहरे की ये दशा तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में हुई है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। सुधर जाओगी तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। और नीता, नीता को क्या मिलेगा? क्या उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर। उसे भी अपने कर्मों का फल मिल चुका है। अब पानी इसमें भर देती हूँ। ये क्या? ये क्या? ये क्या देख रही हूँ मैं? ये क्या? दादी माँ, आपकी असीम कृपा है, आप बहुत दयालु हैं।